हैं, मुसुआ से लगाव बन गए हैं, देश को खा रहे हैं। प्रदेश मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रावण सिंह ने आरोप लगाया, भाषण दिया स्टेज प्रोग्राम। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों को खड़ा कर दिया जाए, किसको? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और डॉक्टर रमन सिंह जी को, और आप लोग देख के बताएं कि कौन मोटा है, कौन ज्यादा माल खाया है। इस प्रश्न झलक जाएगा कि कौन माल खाया है। 15 साल तक खाया है तो 15 साल में तो कौन मोटाया है, कौन मुसुआ से सिर टाइप का मोटा उसके टाइप का हो गया है। जो मोटा है वो ही खाते हैं, जी भी खाते हैं। क्या चीज आप जैसे बोल रहे हैं, आपको आपको बोलने का एक तो प्रश्न करने का तरीका होना चाहिए। आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, आपने प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। पूछ रहा हूं, रमन सिंह के नाम से क्यों नहीं पूछते कि रमन सिंह खाया कि नहीं खाया? आप दूसरे के नाम से क्यों लेते हैं? आप प्रश्न कर रहे हैं ना, तो प्रश्न का शुरुआत वहां से करिए ना जिसने कहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी कल आप गुजरात जा रहे हैं कि असमय देहावसान होने से वो सीट रिक्त हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी और कुछ तथाकथित संगठन से मिल करके प्रश्न खड़ा करने का कोशिश कर रहा है कि आरक्षण 32% से कम करके 20% जो किया गया उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का कोशिश किया जा रहा है। जबकि सही बात यह है कि 2011 में मध्य प्रदेश से जब अलग हुए थे, मध्य प्रदेश में 2000 में जब हम लोग अलग हुए उस समय हमारा प्रतिशत वहाँ 20% था। मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण का लाभ आदिवासियों को मिलता था। छत्तीसगढ़ आने से हमारा प्रतिशत 32% हो गया। 2000 से 2011 तक एक तो आदिवासियों को आरक्षण का परसेंटेज में कम लाभ मिला, ये रमन सिंह जी भी अपने समय में 5-7 साल तक लोगों को कम आरक्षण का लाभ दिया। 2011 में उन्होंने 32% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया, लेकिन 2011 से और 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कभी 32% आरक्षण को जस्टिफाई करने के लिए दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किया, जिससे नवंबर 2022 में कोर्ट ने निरस्त कर दिया और हमारा परसेंटेज आकर के फिर 20% में आ गया। जिस दिन कोर्ट ने आदिवासियों का आरक्षण 32% से 20% किया, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है और उनको 32% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इतना कहना काफ़ी है, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगा तो अध्यादेश लाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम कोर्ट जाएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। आदिवासी विधायक और आदिवासी संगठन के लोग मुख्यमंत्री जी से लिखित में विशेष सत्र बुलाने के लिए मांग किए, और मुख्यमंत्री जी ने उसको बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं होने से अभी 2022 में भारत सरकार का एक निर्देश आया कि PMJKY में जो आवंटन जारी किया था उसका वितरण की जानकारी भेजिए, उससे स्टॉक क्या है। उसके बारे में जब स्टॉक मिलान किया गया तो पाया गया कि 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं हुआ है, और अभी नवंबर 2022 में वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है, पिछला स्टॉक को घटाने से उसको ठीक करने के लिए हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि
वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिछला स्टॉक का सत्यापन वेरिफिकेशन कराएं और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लाइबिलिटीज है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। तो अब जो दिक्कत आ रहा था वितरण का, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने इस उसके लिए आवंटन जारी करने का निर्देश दे दिया है। ये भरपाई कैसे होगी? वो स्टाफ तो है नहीं जो हमने 3-4 बार बताया आपको कि अगर जिस पीरियड का जिसकी जवाबदारी है वो उसके ऊपर जवाबदारी तय होगी। अगर आपको जो वितरण के लिए दिया गया और आपने उसका वितरण की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो वो आपके स्टॉक में आएगा, और अगर आपने वितरण किया है तो उसका जानकारी उपलब्ध कराएं। कोई भेज दिया होगा फंसेगा जो करेगा वो। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.